Hello guys, how are you? Welcome to all DK Sir Computer English classes. Today I have brought some important words for you and I'll tell you the right use of their words. So guys, आज हम आपके लिए कुछ important word लेकर के आए हैं जिनमें बहुत सारा confusion होता है. आपको problem होती है कि कहाँ पर हम sympathy का प्रयोग करें और कहाँ पर हम empathy का प्रयोग करें और कहाँ पर हम telepathy का प्रयोग करें और कहाँ पर हम apathy का प्रयोग करें. इसमें बहुत ये सैम्पथी एम्पथी टेलीपैथी इनमें बहुत ही सिमिलर मतलब होता है, बहुत ही मिलता जुलता इनका मीनिंग होता है, बट इनका यूज़ अलग से होता है. तो ये वीडियो देखने के बाद में सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर होने वाला है. सो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा और सारा कन्फ्यूज़न आज से दूर हो जाएगा. चलिए गाइस देखते हैं, इन सेंटेंसेस के थ्रू आपको हम समझाएंगे कि सैम्पथी का प्रयोग कहाँ किया जाता है और एम्पथी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, टेलीपैथी का प्रयोग कहाँ किया जाता है और एपथी का प्रयोग कहाँ किया जाता है. सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड. सो यहाँ पे आपके लिए फाइव सेंटेंसेस दिए हुए हैं. देर आर फाइव सेंटेंसेस एंड इन विच देर इज अ ब्लैंक एंड यू हैव टू फिल द ब्लैंक यूजिंग दीज अबव वर्ड्स दैट आर सैम्पथी एम्पैथी टेलीपैथी एंड एपथी. ओके, तो प्रत्येक सेंटेंस में इन वर्डों के आधार पर एक सही ऑप्शन आपको भरना है और कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे वो आपको डिसाइड करना है. चलो देखते हैं. यहाँ अगर हम पहला सेंटेंस देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मैजिशियन यूज्ड टू रीड अदर्स माइंड. कहता है जो मैजिशियन होता है, मैजिशियन मीन्स जादूगर, मैजिशियन यूज्ड जादूगर प्रयोग करता है, किसका प्रयोग करेगा, टू रीड अदर्स माइंड, दूसरों का दिमाग पढ़ने के लिए. तो वो क्या प्रयोग करता है, सैम्पथी प्रयोग करेगा या वो एम्पथी का प्रयोग करता है या वो टेलीपैथी का प्रयोग करता है या वो एपथी का प्रयोग करता है. तो अब इसमें कौन सा वर्ड आप भरेंगे इसको ज़रा ध्यान से समझने के लिए ज़रा एक बात बताते हैं आपको. देखिए एक वर्ड हमारा यहाँ पे होता है टेलीपैथी, इसका मतलब समझिए, यहाँ पर एक वर्ड होता है हमारा टेलीपैथी. टेलीपैथी टेली वर्ड देखिए, टेली का मतलब होता है फॉर यानी दूर से. टेली का मतलब क्या होता है, दूर से, डिस्टेंस, इसका मतलब डिस्टेंस लिया जाता है. और पैथी का मतलब यहां पर होता है फीलिंग्स. पैथी का मतलब यहां पर क्या है, फीलिंग्स है. इस सेंटेंस में हमारे दो रूट वर्ड हैं, पैथी में दो रूट, टेलीपैथी में दो रूट वर्ड हैं. पहला रूट वर्ड हमारा है टेली, जिसका मतलब होता है फॉर, और यू कैन से इट मीन्स डिस्टेंस, जिसका मतलब दूरी से लिया जाता है. और पैथी का मतलब होता है, जो पैथिया वर्ड से लिया गया है, पैथी वर्ड, जिसका मतलब होता है फीलिंग्स यानी आपकी भावना. सो गाइज यहाँ पे टेलीपैथी फिर मतलब क्या हो जाएगा, जब किसी से दूर की भावना, मतलब किसी व्यक्ति की दूर से ही भावना को ताड़ लेना, उसके दिमाग में उसके क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या फीलिंग्स हैं, बिना बोले हुए अगर आप किसी की फीलिंग को जज कर जाते हैं, उसके माइंड को पढ़ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी. तो इसका मतलब समझ लो, टेली का मतलब होता है डिस्टेंस यानी दूर से, और पैथी का मतलब हमारा पैथिया वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब होता है फीलिंग. तो दूर की फीलिंग्स यानी कि जब आप किसी व्यक्ति का दिमाग पढ़ते हैं बिना बोले हुए, बिना विदाउट गिविंग एनी पोस्चर एंड जेस्चर, व्हेन यू आर एबल टू रीड द माइंड्स ऑफ अदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी. इसी वर्ड से देखो बना हुआ है टेलीफोन. टेली का मतलब होता है दूर से, फोन का मतलब बात करना, यानी दूर से बात करना, दूर डिस्टेंस से बैठे इंसान से बात करना, दैट इज कॉल्ड टेलीफोन. उसी प्रकार से ये टेलीपैथी है. तो कैसे इसका मतलब लिख लेते हैं, टेलीपैथी का रूट वर्ड तो आपको समझ में आ गया होगा, टेली का मतलब होता है डिस्टेंस और पैथी का मतलब क्या होता है, फीलिंग्स. अब हम इसका मतलब जानते हैं कि टेलीपैथी का मतलब क्या होता है. तो टेलीपैथी का मतलब यहां पे लिख लीजिए आप लोग, टेलीपैथी. टेलीपैथी का मतलब होता है द एबिलिटी, इसका मतलब लिख लो यहां पर, द एबिलिटी टू रीड द माइंड ऑफ अदर्स, द माइंड ऑफ अदर्स विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले हुए, विदाउट स्पीकिंग. देखो क्या लिखा है यहां पर, टेलीपैथी क्या होता है, द एबिलिटी, एक ऐसी योग्यता टू रीड द माइंड ऑफ अदर्स, दूसरे का माइंड पढ़ने की जो योग्यता होती है, विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले हुए, उसी को हम बोलते हैं टेलीपैथी. जब आपने किसी व्यक्ति को, आप किसी व्यक्ति के बारे में अगर आप जान जाए, इसके मन में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है,
और बिना किसी इशारा दिए हुए, बिना उससे बात किए हुए यदि आप उसके माइंड को पढ़ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी। उसको हम क्या बोलते हैं? टेलीपैथी। टेली का मतलब हो गया डिस्टेंस, दूरी से लिया जाता है, और पैथिया वर्ड से हमारा पैथी में इसका मतलब फीलिंग होता है, दूर के फीलिंग से वो जान लेना, दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी। तो देखो यहाँ गाइस क्या लिखा हुआ है, द मैजिशियन यूज्ड, मैजिशियन ने प्रयोग किया टू रीड अदर्स माइंड, दूसरे का दिमाग पढ़ने के लिए। अब दूसरे का दिमाग पढ़ने के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे? टेलीपैथी। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा क्यों? क्योंकि टेलीपैथिक मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू रीड द माइंड ऑफ अदर्स विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले हुए किसी दूसरे के माइंड को पढ़ लेना, दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी। और इसमें दो रूट वर्ड है, टेली का मतलब होता है डिस्टेंस यानी दूर से, पैथी जो वर्ड है पैथिया वर्ड से बना हुआ जिसका मतलब फीलिंग्स होता है, दूर से ही किसी की फीलिंग्स को जान लेना, दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी। तो यहाँ पर हमारा वर्ड क्या आएगा? टेलीपैथी आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? टेलीपैथी। तो यहाँ हम लोग भरेंगे टेलीपैथी, टी ई एल ई पी ए टी एच वाई, टेलीपैथी। तो ये समझ में आ गया ना, द मैजिशियन यूज, जो मैजिशियन जादूगर है उसने प्रयोग किया, टेलीपैथी का प्रयोग किया, किस लिए? टू रीड अदर्स माइंड, दूसरे का दिमाग पढ़ने के लिए। जब आप दूसरे का दिमाग बिना बोले, बिना कुछ इशारा दिए, आप अगर किसी दूसरे का माइंड आप पढ़ लेते हैं, तो उसको पढ़ने की जो कला है, ऐसी जो ट्रिक है, इसको हम बोलते हैं टेलीपैथी। कहने का मतलब ये हमारा है, व्हेन यू आर एबल टू रीड द अदर्स माइंड विदाउट गिविंग पोस्चर एंड जेस्चर एंड विदाउट स्पीकिंग, विदाउट गिविंग एनी इंडिकेशन, दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी। ओके, तो टेलीपैथी का प्रयोग यहाँ किया जाता है। समझ में आ गया? और इसका मतलब टेलीपैथी क्या होता है, हमने आपको यहाँ पर लिखवा दिया है। रूट वर्ड हमारा इसमें क्या है? टेली प्लस पैथी। ओके, तो टेलीपैथिक मतलब होता है किसी के मन के बात को जानना। ओके, तो ये वर्ड हमारा क्लियर हो गया। अब सैंपथी, एम्पथी और एपथी बचा हुआ है, आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है, अ चाइल्डलेस वुमेन सोड विद मदरलेस चाइल्ड। कहता है अ चाइल्डलेस वुमेन, एक ऐसी लेडी, यानी चाइल्डलेस वुमेन का मतलब होता है वो औरत जिसके बच्चा ना हो, सोड उसने जाहिर किया विद मदरलेस चाइल्ड, एक ऐसे बच्चे के साथ जिसकी माँ नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे देखो दो बातें बताई गई हैं, यहाँ पर एक लेडी की बात हो रही है जिसके कोई बच्चे नहीं, कोई संतान नहीं है, और यहाँ पर एक चाइल्ड की बात की जा रही है जिसके मदर नहीं है। दो बातें यहाँ पे हैं, यहाँ पे एक लेडी है जिसका बच्चे, जिसके कोई संतान नहीं है, और यहाँ पे एक लड़का है जिसकी माँ नहीं है। अब यहाँ पर ये देखो सेंटेंस क्या कह रहा है, अ चाइल्डलेस वुमेन सोड विद मदरलेस चाइल्ड, यानी कि एक निसंतान जो औरत थी उसने एक मातृहीन बच्चे को उसने क्या दिखाया? सैंपथी, सहानुभूति दिखाई, एम्पैथी या फिर एपैथी। अब आप देखिए, पहली बात देखिए यहाँ पर, अब जब उसके उस औरत के औलाद नहीं है, उस औरत के बच्चा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है जब किसी दूसरे ऐसे बच्चे को देखेगी जिसकी माँ नहीं होगी, तो वो बहुत ज़्यादा उसके प्रति भाव में इंटर कर जाएगी। जब आप किसी के वेदना के अंदर, जब आप किसी के अंदर बिल्कुल इंटर कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को रख करके किसी को समानुभूति देते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पैथी। तो एम्पैथी का मतलब होता है हिंदी में समानुभूति। इसका मतलब क्या होता है? समानुभूति। इसका मतलब समानुभूति होता है। और सैंपथी का मतलब होता है सहानुभूति। इसका मतलब हमारा क्या होता है? सहानुभूति, सहानुभूति। तो एम्पैथी का प्रयोग कहाँ करेंगे, जरा इसका पहले मतलब हम लिख लेते हैं यहाँ पर। पहले एम्पैथी का मतलब देखो तब समझ में आएगा। एम्पैथी का मतलब देखिए, अ फीलिंग, इसका मतलब देखो अ फीलिंग्स अदर्स सफरिंग, अ फीलिंग ऑफ अदर सफरिंग entering into entering into entering into मतलब entering there
एंटरिंग देयर। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एम्पैथी का मतलब क्या होता है, अ फीलिंग ऑफ अदर्स, यानी कि अ फीलिंग ऑफ अदर्स सफरिंग। जब आप किसी के कष्टों के बारे में, यदि अंदर आपकी कोई फीलिंग्स आ जाती है, यदि कोई व्यक्ति बहुत कष्ट में होता है, उसके प्रति अगर आपके अंदर कोई फीलिंग्स है, जब आप उसमें पूर्ण रूप से घुस जाते हैं, यदि आप अपने आप को रख करके देखते हैं, सपोज करें कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके जो व्यक्ति फेल हो गया है और वो फेल होने पर वो रो रहा है और आप ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, तब आप उसकी उस प्रॉब्लम को आसानी से पहचान सकते हैं, अपने आप को रख करके देख सकते हैं कि मैं भी जब फेल हुआ था हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी, आज उतने ही इस व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही होगी इसके फेल होने पर। तो इसको हम बोलते हैं एम्पैथी। क्या इसको बोलते हैं? एम्पैथी। जब आप किसी की प्रॉब्लम को डीपली समझते हैं, अपने आप को रख करके उसके जगह पर देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथी, दैट इज़ कॉल्ड समानुभूति। अपने आप को समान कर लेते हैं, उसका दर्द अपने समान कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथी। उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पैथी बोलते हैं। क्लियर है? तो इसको क्या बोलेंगे? एम्पैथी बोलेंगे। एम्पैथी का मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग्स होती हैं दूसरे के दर्द को समझने की, जब आपको कम्प्लीटली वहाँ पे उसके लिए इंटर करता है, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। तो यहाँ पर देखो बेटा, वही सेंस है, एक वुमेन है जिसका बच्चा नहीं है और एक ऐसे बच्चे को देखा, एक ऐसा बच्चा है जिसकी माँ नहीं है, तो उसने उसके प्रति क्या दिखाई? एम्पैथी दिखाई। वो समझ सकती है कि माँ का दर्द क्या होता है, इसलिए उसने क्या दिखाई यहाँ पर? एम्पैथी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एम्पैथी, EMPATHY, एम्पैथी। क्लियर है? तो यहाँ पे देख लो, अ फीलिंग ऑफ अदर्स, चाहे ऐसे ही लिख लो, टू नो द फीलिंग्स ऑफ अदर्स और सफरिंग्स, एंटरिंग देयर, वहाँ इंटर करके कंप्लीटली जब इंटर कर जाते हैं उस भावना को जाने के, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। तो यहां पर क्या आएगा? एम्पैथी आएगा। चलिए, तो टेलीपैथी का मतलब समझ गए। टेलीपैथी मतलब होता है दूर से किसी भावनाओं को जाहिर करते हैं, उसकी मन की बात जानते हैं, और एम्पैथी का मतलब होता है जब किसी के दर्द को फील करने की, खुद को वहां पे उसकी जगह पर रख करके देखते हैं, एहसास करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। तो यहां पर क्या आ जाएगा? एम्पैथी। दो सेंटेंस हो गए। अब थर्ड सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, द पेशेंट हैड बिकॉज ऑफ द एसर्बिक टेस्ट। पेशेंट के पास था, क्या था आगे पता चलेगा, बिकॉज ऑफ एसर्बिक टेस्ट। एसर्बिक का मतलब होता है बिटर, इसका मतलब क्या होता है? बिटर होता है, कड़वा टेस्ट। अब एसर्बिक टेस्ट फॉर, यहां पे बेटा पूरा सेंटेंस कर लो, फॉर यहां मेडिसिन कर दो, फॉर मेडिसिन दवाएं कर दो, ठीक। अब कहता है पेशेंट के अंदर एक दवाएं के प्रति जो उसका कड़वा स्वाद था, उसके प्रति पेशेंट के अंदर क्या थी? सिंपैथी थी। अब दो ही ऑप्शन आपके बचे, सिंपैथी बचा और आपका एपैथी बचा, सहानुभूति थी या फिर घृणा थी। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जो मेडिसिन का जो यहाँ पे टेस्ट है वो एसर्बिक है। यहाँ पे सेंटेंस की टोन ही नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव सेंस यहाँ लाना होगा। तो यहाँ पर आएगा एपैथी, यहाँ पर क्या आएगा? एपैथी। जी हाँ, एपैथी का मतलब समझ लो क्या होता है। एपैथी का मतलब होता है आ हमारा एक नेगेटिव सेंस दे रहा है, आ हमारा क्या दे रहा है? नेगेटिव सेंस। तो इसका मतलब होता है विदाउट, आ का मतलब विदाउट, पैथी का मतलब हो जाता है फीलिंग्स, इसका मतलब क्या होता है? फीलिंग्स, बिना फीलिंग्स की, जब किसी के प्रति आपकी फीलिंग्स ना रहें, जब आप किसी के प्रति क्या हो जाते हैं? कंप्लीटली इंडिफरेंट, कंप्लीटली, इसका मतलब क्या होता है? कंप्लीटली इंडिफरेंट, completely indifferent, that is called apathy। उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं apathy, यानी कि the feelings of not being interested is called apathy। यहाँ पे उस मेडिसिन के टेस्ट जो था, जो मेडिसिन का टेस्ट था वो क्या था? एसर्बिक था, इसीलिए उसके अंदर एक apathy थी। किसके लिए? मेडिसिन के लिए, क्योंकि उसका टेस्ट क्या था? बिटर। तो इसका मतलब क्या होता है? इंडिफरेंट होता है, यानी कि कम्प्लीटली डिसलाइक अंदर होता है, कि यानी कि इंटरेस्ट नहीं होता, कम्प्लीटली नॉट इंटरेस्टेड ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड apathy। और यू कैन से कम्प्लीटली इंडिफरेंट, व्हेन यू आर कम्प्लीटली इंडिफरेंट टू समथिंग, दैट मीन्स यू हैव apathy फॉर दैट। यदि आप किसी के प्रति कम्प्लीटली इंडिफरेंट होते हैं, इसका मतलब होता है कि आपके अंदर apathy आपके अंदर है उसके लिए। तो यहाँ पर पेशेंट हैड एपैथी, यहाँ पर क्या आएगा? एपैथी। ए का मतलब विदाउट और पैथी का मतलब फीलिंग्स। तो यहाँ पर आ जाएगा द पेशेंट हैड एपैथी बिकॉज ऑफ द एसर्बिक टेस्ट
फॉर मेडिसिन, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एपथी। अब यहाँ बचा हमारा सेम्पथी। सेम्पथी हमारा क्या है, सेम्पथी का मतलब होता है सहानुभूति। ये हमारा कॉमन सेंस में है, यदि आप कहीं जा रहे हैं, यदि आपने किसी भिखारी को देखा, वो आपसे पैसे मांग रहा है और वो भूखा है, आपको दया आ गई, आपने उसको पैसे दे दिए, तो ये हमारा होता है सेम्पथी, आपने सेम्पथी दिखा दी। लेकिन अगर आपने ये महसूस कर लिया, काश मैं भी भिखारी होता, मैं भी ऐसे पैसे मांगता, कोई हमें न देता, हमारी भूख लगती, जब बहुत ज़्यादा आप इंटर कर जाएंगे करेक्टर में किसी के दर्द को समझने के लिए, उसको हम बोलते हैं एम्पैथी, तो वो हमारा एम्पैथी हो जाएगा, जनरली आपको दया आ गई, दैट इज कॉल्ड सेम्पैथी। तो यहाँ पे देखो अगला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, मेनली द हैव्स का यहाँ मतलब है रिच, धनवान लोग। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर इसको मिटाएंगे हम, थोड़ा यहाँ देखें, देखो ये अगला वर्ड यहाँ लिखो लिखा है हैव्स, HAVES हैव्स, इसका मतलब होता है द रिच, धनी लोग। इसका मतलब क्या होता है, धनी लोग, यानी कि यहाँ जो मतलब इसका ये हो गया, मेनली द हैव्स, अक्सर जो अमीर लोग होते हैं, डोंट हैव उनके पास नहीं होती है, फॉर द हैव नॉट्स गरीबों के लिए, उनके पास गरीबों के लिए नहीं होती, क्या नहीं होती है, सेम्पथी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम्पथी, एक ही हमारा ऑप्शन बचा था, तो यहाँ पर सेम्पथी हो जाएगा, SYMPATHY, सेम्पथी। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो अमीर लोग होते हैं उनकी गरीबों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रहती, ये कॉमन सेंस में लिया गया है, दैट इज कॉल्ड सेम्पथी। ओके, वेन यू गेट्स इमोशनल टू सी द कंडीशन ऑफ एनी वन एल्स एंड यू जस्ट फील समथिंग सैडनेस ओवर देयर, दैट इज कॉल्ड सेम्पथी। वेन यू रिगार्ड योर सेल्फ इन प्लेस ऑफ देयर एंड यू अडॉप्ट दैट सफर ऑफ दैट पर्सन ओवर योर सेल्फ, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम्पथी, क्योंकि गरीबों के प्रति उनके अंदर सहानुभूति नहीं होती, कॉमन सी बात है, एक बहुत ही जनरली सेम्पथी नहीं होती, दैट इज कॉल्ड सेम्पथी। ठीक है, एम्पैथी की दो बात अलग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम्पथी। एम्पैथी कहाँ आएगा, मैंने आपको बता दिया। अब देखो लास्ट वर्ड हमारा बचा, अलग से हमने ऐड कर दिया, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा हैड फॉर द पेशेंट्स, जब आपके प्रति, जब आप किसी के लिए, यानी कोई व्यक्ति परेशानी में है, आप उसकी परेशानी को खुद अपने आप पे ले रहे हैं और खुद को उसकी जगह पर रख करके उसकी परेशानी को अगर आप महसूस कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एम्पैथी। और उस परेशानी को महसूस करके उसके लिए जो आप एक्शन करते हैं, जो एक्ट करते हैं उसके लिए, उसको हम बोलते हैं कंपैशन। उसको हम क्या बोलते हैं, कंपैशन। यानी कि एपथी, यानी कि देखो लिखा है एम्पैथी, एम्पैथी प्लस एक्ट ऑफ हेल्पिंग, अगर आपस में जोड़ दें, बराबर बन जाता है कंपैशन। बराबर क्या बन जाता है यहाँ पर, कंपैशन। तो कहने का मतलब यहाँ पर है, मदर टेरेसा हैड, तो मदर टेरेसा के अंदर थी फॉर द पेशेंट, मरीजों के लिए, ना कि उनके अंदर केवल एक सहानुभूति थी, एक समानुभूति थी, बल्कि उनके लिए वो कार्य भी करती थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपैशन, कंपैशन। ठीक है ना, तो कंपैशन कहाँ से आया, एम्पैथी, जब आप किसी के लिए एम्पैथी फील करें और उस एम्पैथी को फील करने के बाद आपको जब ये रियलाइज हो जाए यार हमें इसकी मदद करनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं कंपैशन। क्या उसको बोलेंगे, कंपैशन। सो गाइस, ये हमारे यूज था सेम्पैथी और एम्पैथी, टेलीपैथी और एपैथी का प्रयोग। वंस अगेन आई गोना रिपीट इट, प्लस प्लीज लिसन केयरफुली। द फर्स्ट वर्ड इज सेम्पैथी। सेम्पैथी इज द जनरल वर्ड एंड वेन एवर यू फील सम सॉरो फॉर एनीवन एल्स देयर वी यूज सेम्पैथी। एंड नेक्स्ट वर्ड इज एम्पैथी। When you feel the suffer of others and you shed your tears and you adopt yourself in place of him or her, that is called empathy. जब किसी के दर्द को आप महसूस करते हैं, उस दर्द को अपने पर रख करके उसकी जगह पर खुद को महसूस करते हैं, that is called empathy. Telepathy क्या होता है, When it is the knowledge to read the minds of others without giving any posture and gesture, without speaking, that is called telepathy. Apathy क्या होता है, When you are completely indifferent to something, that is called apathy. जब आपको किसी के प्रति कोई लगाव नहीं होता,
कोई पसंद नहीं किसी के प्रति आपकी रहती है, दैट इज़ कॉल्ड एपथी। आ का मतलब होता है विदाउट, पैथी का मतलब होता है फीलिंग्स। जब आप किसी के प्रति बिना फीलिंग्स के हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एपथी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सेम्पथी, एम्पैथी, टेलीपैथी और एपथी। ये वर्ड थोड़ा सा हल्का है, एम्पैथी थोड़ा सा और वेटेड वर्ड है। टेलीपैथी किसी के दिमाग को दूर से पढ़ते हो, टेली का मतलब दूर से, पैथी मतलब फीलिंग्स को, एपथी का मतलब विदाउट फीलिंग। और जब एम्पैथी फील होती है और उसके बाद में जब किसी के लिए हेल्प करने के लिए कुछ आप स्टेप लेते हो, दैट इज़ कॉल्ड कंपैशन, दैट इज़ कॉल्ड कंपैशन। कंपैशन का मतलब दया से लेते हैं, बट वो मर्सी से दया से, ये वर्ड थोड़ा सा वेटेड वर्ड है। ठीक है, तो आज आपको समझ में आ गया होगा और शायद कन्फ्यूजन पूरा दूर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और दोबारा इसको हम क्लियर करा देंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।